J26 प्रिपरेशन जस्ट अभी अभी शुरू भी है, और आप में से कई लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो हो रही होगी वो ये होगी कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में. अभी सेट थ्योरी, लॉगरिथम, यूनिट या काइनेमेटिक्स, ये सब चल रहे होंगे, राइट? आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्लास में, राइट? लेट मी नो द कॉमेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? और अगर नहीं भी हो रही है तो बहुत ही जल्दी एक महीने में आप में ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि समझ में आना बंद हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है आज समझते हैं, ठीक है? शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और फ्री नोट्स अगर चाहिए जेई प्रेप के, रैंक वन के नोट्स चाहिए अगर, मेरे खुद के नोट्स चाहिए अगर, शॉर्ट नोट्स, तो जाके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सेकंड लिंक मिलेगा एकेडमी बूस्ट ऐप का, उस पर फ्री नोट्स है पूरे जेई के 11th प्लस 12th ऑल थ्री सब्जेक्ट, ठीक है? तो वो जरूर ले लेना, फ्री है, कोई पैसा उसमें कोई ट्रिक भी नहीं है यहाँ पे कि तुम वहाँ जाओगे फिर वहाँ पे पेमेंट नहीं, पूरी तरह से फ्री है. ऐप पर जाओ, अकाउंट बनाओ, मिल जाएगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड लिंक है, लेना मत भूलना वीडियो के एंड में. फर्स्ट लिंक भी देख लेना, वो हमारा कोर्स है जो 21st अप्रैल तक डिस्काउंट पे, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा. तो सबसे पहली चीज, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक कॉमन मेथड है जो आपको आगे भी काम आएगा. तो लेट से आपको ये लेवल की चीज समझ में नहीं आ रही है, आप एक लेवल नीचे आके यहाँ का पढ़ लो, ठीक है? तो लेट से ये आपका मॉड्यूल है, ठीक है? इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, ठीक है? और ये आपका लेट से आईआईटी निकालने के लिए एडवांस लेवल ये है लेट से, ठीक है? आपका मॉड्यूल में, हाँ ऑफ कोर्स मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज टू या जो पीवाईक्यूज होते हैं एडवांस की, वो यहाँ पे रहते हैं. लेकिन अगर आपसे लेट से फर्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है, या आपको लेक्चर ही समझ में नहीं आ रहे, ये लेक्चर्स का लेवल भी चलो यही मान लेते हैं, तो आप उसे एक लेवल नीचे आ जाओ. एक लेवल नीचे क्या होता है कि एक तो रिविजन हो गया और दूसरा आपका एनसीईआरटी हो गया. अर्थात क्या? तो अगर आप लेट से क्लास में हो और आपकी सर की बात समझ में नहीं आई, तो आप जाओ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की तरफ, ठीक है? आप एनसीईआरटी खोलो, उस चैप्टर की सेट थ्योरी की एनसीईआरटी खोलो, उसको पूरा वापस से पढ़ लो, ठीक है? वापस से पहली बार पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस बना लो. हाँ टाइम लगेगा, हाँ इजी भी शायद हो सकता है, लेकिन आपको फिर चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको आपके सर की बातें फिर समझ में आ जाएंगी, आपसे मॉड्यूल के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, पहले से तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है? हाँ अब आपने ये लेवल क्रॉस कर लिया, अब आप यहाँ पे भी जाओ. हाँ ये भी नहीं होगा पहली बार में, लेकिन फिर आप इसका रिविजन वापस से करेंगे, ये आपसे हो जाएगा. और जेई प्रेप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे आज ही की तारीख में होने चाहिए. इट इज परफेक्टली फाइन अगर कोई क्वेश्चन आपसे आज नहीं हो कि एक साल बाद हो गया, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन दो साल से भी ज्यादा चली गई अभी, राइट? सो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. और हर चीज लेवल में समझ में देखो नहीं आती, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रोटेशन नाम करके आगे चैप्टर आएगा फिजिक्स में, वो कई लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? या जीओसी भी कई लोगों को समझ में नहीं आती 11th में, लेकिन 12th में जाते जाते एटलीस्ट जीओसी तो ऐसे ही हो जाती है, मतलब वो एक सेकंड नेचर बन जाता है, ठीक है? या जैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा शायद, लेकिन बाद में जाके वो बहुत सिंपल हो जाता है. या जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह आप आगे पढ़ोगे, अभी बहुत हार्ड लगेगा लेकिन धीरे धीरे ईजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप फिर वापस रिवाइज करोगे, आपके टेस्ट वेस्ट में आएगा, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी. वैसे ही जैसे जब आप 6th क्लास में थे, आपने पहली बार इंटीजर्स पढ़े थे, तो आप सोचते थे यार ये -2 कहाँ से आ गया भाई, 2 तो मेरे को समझ में आ रहा है, -2 क्या है ना? लेकिन अब आपको समझ में आता है कि क्या है. या जैसे 10th में रिसेंट एग्जांपल है साइन थीटा कॉस थीटा, आपको समझ में शायद नहीं आता होगा जब आपने पहली बार पढ़ा हो, लेकिन अब आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बहुत अच्छे समझ जाते होगे, राइट? तो वैसे ही जब आप 12th में जाओगे, ये सब चीजें जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही वो ईजी हो जाएंगी, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट पेशेंस, पेशेंस रखोगे सब चीज हो जाएगी. दूसरा पॉइंट रिविजन, केवल पेशेंस रखने से नहीं होगा. पेशेंस क्यों रख रहे हैं? ताकि हमें टाइम मिले टू रिवाइज, और रिवाइज करके वो चीज हमारे लिए ईजी हो जाएगी आगे चल के. और थर्ड कि आप थोड़ा बेसिक कवर वापस से कर लो, मतलब आप नोट्स पढ़ लो. नोट्स कहाँ से मिलेंगे? फ्री ऐप, नीचे लिंक है, सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऐप है, वहाँ से नोट्स पढ़ लो. नोट्स वाइज करने से भी कई बार हेल्प होती है. या आपने जैसे क्लास में कोई नोट्स बनाए उनको वापस से रीरीड कर लो, उससे भी कई बार हेल्प होती है. मैंने देखा है कई बार लोग अच्छे से किताबें या नोट्स वगैरह पढ़ते नहीं और क्वेश्चन पर जंप हो जाते हैं. जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जैसे एचसी वर्मा बुक जो आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर मी, बिकॉज उसमें थ्योरी भी बहुत लाजवाब है, फिर उस थ्योरी में क्वेश्चंस भी दिए हुए, एग्जांपल्स फॉर योर बेसिक प्रैक्टिस. तो वहां से बंदा समझ जाता है कि अच्छा ये करना है. और उसमें वर्कड आउट एग्जांपल भी दिए जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं. तो वहां पे आप सच में सीखते हो यार क्वेश्चन बनाना कैसे है. तो वहां पे आपको क्या एक एग्जांपल मिल जा रहा है कि भाई ऐसे प्रोसीड करना है. कई किताबों में तो बस बता देते कि अच्छा ये थ्योरी है, फिर क्वेश्चन पता नहीं ऐसा डाल देंगे कि पता नहीं कैसे करना है. तो उस बुक में ये एक बेनिफिट है, वो आपको एक थोड़े लोअर लेवल पर ले जाके सिखाती है, फिर हायर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस देती है, फिर आपको वो अपने असली एक्सरसाइज में इंडल्ज कराती है, राइट? सो ये कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट गिव इट अ बिट ऑफ टाइम, टाइम दोगे एक साल बाद हो जाएगा. दूसरा रिवाइज करो, वापस जाके घर पे नोट्स पढ़ो. आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आईआईटी जैसी डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में कि पहली बार में समझ में आ गया, सर ने बताया तो मैं आ गया. नहीं,
घर पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा वापस से, घर पे जाके नोट्स वाइज करने होंगे, दोस्तों से जाके पूछना होगा, फ्रेंड ग्रुप बना के डिस्कस करना होगा, टीचर से जाके डाउट क्लास में या क्लास में पूछना होगा कि सर समझा दो समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी जाके पढ़नी होगी, एचसीवी जाके पढ़नी होगी, तब जाके होगा। ऐसे ही नहीं है कि आपका टेंथ बोर्ड की भाई इंग्लिश का ऐसे चल रहा है कि भाई ऐसे ही जाके दे दिया हो गया, राइट। तो गिव इट सम टाइम, रिवाइज, यू विल डेफिनेटली गेट इट। और बेसिक्स क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपसे कोई टॉपिक के जैसे एडवांस क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे परफेक्टली फाइन, ट्वेल्थ में हो जाएंगे, लेकिन एक बार बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है कि भाई बेसिक्स तो एटलीस्ट आते हो, एटलीस्ट हमें सारे फॉर्मूले याद हो, एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स और टाइप ऑफ क्वेश्चन याद हो, एटलीस्ट एक्सरसाइज वन हमसे हो रही है, नहीं हो रही है तो एनसीईआरटी पे जाके वापस से इस पे आए और इसको पूरा फिनिश किया। ये तीनों चीज आप करेंगे आपकी प्रिपरेशन मोर लेस अच्छी जाएगी, बाकी आपके पास आगे बहुत टाइम है, तब हम प्रिपरेशन और अच्छी कर देंगे, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए, एक प्यारा सा रिसोर्स है मेरा JEE 2026 प्रिपरेशन का कोर्स, अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, केवल 9999 रुपीज में मिल रहा है टिल 21st अप्रैल, ठीक है। वो कोर्स 20,000 का सेल होता है, आप अगर 3-4 दिन पहले देखेंगे 20,000 का लिस्टेड था, आप 21st अप्रैल के बाद देखना, ठीक है, आपको 20,000 का मिलेगा, अभी वो 9999 का मिल रहा है, तो आप उस कोर्स को लीजिए, पूरा जेईई 2026 तक मिलेगा। और आपको वो कोर्स अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने मेरा वो सारा पूरा कोर्स देखा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक डीपीपी का क्वेश्चन आपने अच्छे से किया, टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया, सारे लेक्चर्स देखे, हालांकि मेरे लेक्चर्स भी काफी सफिशियंटली और भी हमने टीचर्स दिए हैं ताकि आपको और एडवांस पढ़ना हो, और भी कंटेंट है वो भी आपने पढ़ा, और ये सब करके एग्जाम के दिन आपने बिल्कुल सही से एग्जाम दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको एक अच्छा कॉलेज ना मिले, एंड काफी चांसेस आपको IIT भी एक अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने उस कोर्स में कि मैं आपको कह रहा हूँ कि केवल आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और पूरी मेहनत से वो कोर्स करना है, कंप्लीट करना है, यू विल गेट IIT, ठीक है। कोई दे रहा हो बता दो, इतनी गारंटी कोई नहीं देगा, क्योंकि उनको डर है कि भाई यार क्या पता नहीं हो, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। हालांकि आपने टिप्स फॉलो की मेरे चैनल पे जो फ्री मिलती है, मेरे फ्री नोट्स वो सब किए, तो भी हो जाएगा सिलेक्शन आपकी कोचिंग से भी, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कोचिंग में, या आप नहीं जाते हो कोचिंग, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, देखो 2.5 साल के हिसाब से 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं, प्रोवाइडेड कि आपको उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 का गाइडेंस, ऑल इंडिया रैंक 1 का कंटेंट वगैरह मिल रहा है, उसमें मैंने कई सारी अपनी छोटी छोटी टिप्स भी शेयर की हुई है जो मेरी पर्सनली डेवलप्ड है, जो आपको कोई टीचर या कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैंने खुद एज अ स्टूडेंट सीखी है, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, राइट। सो इफ यू वांट दैट कोर्स, और पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, उसमें कभी हम आपको लाइव में कुछ नहीं बुलाएंगे, आपको सब कुछ डे वन पे मिल जाएगा, आप जो मर्जी पढ़े पढ़ सकते हो जिस टाइम पे आप चाहो, ठीक है। सब चीजों का सोल्यूशन भी उसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट दैट सपोर्ट, इफ यू वॉन्ट दैट IIT बॉम्बे CS का एक फ्लेवर कि भाई वहां पे जो लोग जाते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनका क्या टीचिंग स्टाइल है, अगर आपको फ्लेवर चाहिए एट अ वेरी लो प्राइस, गेट इट यूजिंग द डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक, 21st अप्रैल तक ही डिस्काउंट, उसके बाद बढ़ जाएगी प्राइस, फिर मत बोलना कि भाई इतना महंगा क्यों है, अभी आपको सस्ते में मिल रहा है पूरे JEE Advanced 2026 तक की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। और अगर नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, फ्री नोट्स तो ले लेना भाई, वो तो फ्री है, उसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे, अगर आप वो भी नहीं लेते हो तो शायद आपको पढ़ना ही नहीं है या आपको मटेरियल से प्यार नहीं, क्योंकि मैं जब छोटा था ना आपकी एज का था, मेरे को तो कहीं से भी मटेरियल मिल जाता था मैं तो उठा लेता था, कभी काम आ जाए, हाँ सब नहीं कंप्लीट कर पाते थे बट उठा लेता था कि भाई कभी कौन सी चीज़ काम आ जाए, एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बन गया उसकी लाखों में वैल्यू है, आप एडवांस के दिन लाखों रिजल्ट, आपका जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन आप लाखों रुपये देने को तैयार होंगे, लेकिन आपकी रैंक चेंज नहीं होगी, उससे पहले अगर हम मेहनत कर सकते हैं और अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब, बाय।